आप सभी को सुप्रिया एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज के वीडियो में क्या देखने वाले हैं, आज के वीडियो में 2015 से इनफाइनाइट सीरीज से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हुए हैं ना, सभी क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं आज के वीडियो में। ओके, और नेक्स्ट वीडियो में मैं कोशिश करूँगी 17 का करने का, फिर 19 का करके ख़त्म करेंगे, सारा नहीं करेंगे। ओके, 15, 17, 19 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए, सारा क्वेश्चन होते रहेगा, आज 2015 का है तो 2015 पे फोकस करते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 5 का? ऑप्शन नंबर ए, स्टेट एंड प्रूव लॉगरिथमिक टेस्ट। तो सबसे पहले आप लोगों को बताना होगा, इसका स्टेटमेंट लिखना होगा, आखिर लॉगरिथमिक टेस्ट क्या होता है, उसके बाद हम लोग इसको प्रूव करेंगे। तो देखिए, लॉगरिथमिक टेस्ट से आप लोगों को याद रखना होगा, जैसे लॉग, आप लोगों को इसमें शुरू में लॉग लग रहा है ना, तो आप लोगों को थोड़ा थोड़ा याद रखना होगा, ये जो टेस्ट है ना, इसमें लॉग करके कुछ आता है। ओके, ना याद रहेगा आप लोगों को, लॉग करके कुछ आता है। और एक बात मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, ये जो रेशियो है ना, UN/UN+1, ये आप लोग जब रेशियो टेस्ट पढ़े थे, रेशियो टेस्ट, उसके बाद बहुत सारा टेस्ट आया था ना, तो ये सारे के सारे टेस्ट में एक टेस्ट था जिसमें UN/UN+1 था, और एक टेस्ट था जिसमें था UN/UN+1-1, और एक था इस दोनों का मल्टीप्लीकेशन एन, और अब आया है वो क्या आया है, एन ऑफ लॉग ऑफ दिस। ओके, मतलब ये वाला रेशियो आप लोग को याद रखना है, ये सारे में आता है, और ये लॉगरिथमिक टेस्ट है तो लॉग आएगा। तो आप लोगों को पूरा कंप्लीट क्या याद रखना है, याद रखना एन टाइम्स ऑफ लॉग UN/UN/UN+1। ओके, ये इतना याद रखना है। चलिए, अब हम लोग दूसरा ट्रिक देखेंगे। देखिए, कुछ कुछ ट्रिक करने, याद रखने का भी तो ट्रिक होना चाहिए। आप लोगों से कोई पूछ दिया लॉगरिथमिक टेस्ट क्या होता है चलते फिरते, तो आप लोग को याद रखना चाहिए, अच्छा लॉगरिथमिक टेस्ट बोल रहा है ना, मतलब लॉग करके, और रेशियो किसका आता है, हर एक क्वेश्चन में UN/UN+ आता है, जितना बहुत सारा टेस्ट पढ़े थे सब में ऐसा ही होता है, मतलब लॉग UN/UN+1 करके, और बस इसमें एन से मल्टीप्लाई कर देना है, बस इतना याद हो गया। फिर आगे का ट्रिक हम लोग देखेंगे। आप लोग जितने भी टेस्ट पढ़े होंगे ना, जितना भी टेस्ट, मतलब कॉची रूट टेस्ट को छोड़ के सभी में ग्रेटर देन वन आप लोगों का कन्वर्जेंट होता है और लेस देन वन डाइवर्जेंट होता है। ओके, सिर्फ कॉची रूट टेस्ट को छोड़ के जो भी एक्सप्रेशन है उसका अगर ग्रेटर देन वन है तो वो कन्वर्जेंट होगा, और लेस देन वन है तो डाइवर्जेंट होगा। बहुत सारे कोचिंग में आप लोग पढ़े होंगे, तो जो डी एलेम्बर्ट रेशियो टेस्ट है उसमें भी पढ़े होंगे, लेस देन वन जो है ना वो कन्वर्जेंट होता है और ग्रेटर देन वन डाइवर्जेंट होता है। तो देखिए, उसमें टीचर लोग करते क्या है, ये जो रेशियो होता है ना UN/UN+1 को, ये रेशियो चेंज करके लिख देते हैं UN+1/UN, मतलब इसका रेशियो चेंज कर देते हैं, तो ये भी चेंज हो जाता है। लेकिन आप लोगों को, बस जो भी स्टूडेंट मुझसे पढ़े हुए हैं ना, तो उनको मैं सबको यही बताई हुई हूँ, तो आप लोग को UN/UN+1 निकालना है, और जितने भी टेस्ट होंगे सब में ग्रेटर देन वन कन्वर्जेंट होगा, लेस देन वन डाइवर्जेंट होगा। एक्सेप्शन क्या है, कॉची रूट टेस्ट। ओके, कॉची रूट टेस्ट आप लोग को याद होगा, UN/N करके निकालते थे, लिमिट एन टेस्ट टू इन्फिनिटी। ओके, तो चलिए अब स्टेटमेंट पढ़िए, क्या है, द इनफाइनाइट सीरीज समेशन ऑफ UN ऑफ पॉजिटिव टर्म, इनफाइनाइट सीरीज, ओके, द इनफाइनाइट सीरीज समेशन ऑफ UN ऑफ पॉजिटिव टर्म इज कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट अकॉर्डिंग एज लिमिट ऑफ एन टेंस टू इन्फिनिटी एन लॉग ऑफ UN/UN ग्रेटर देन वन और लेस देन वन। तो चलिए प्रूफ देखिए, प्रूफ क्या, वी कंपेयर द गिवन सीरीज समेशन UN विद द सीरीज समेशन VN इक्वल टू 1/NP, समेशन ऑफ VN इज कन्वर्जेंट इफ P इज ग्रेटर देन वन और डाइवर्जेंट इफ P इज लेस देन वन। तो देखिए, इसको प्रूफ, लॉगरिथमिक टेस्ट को प्रूफ करने के लिए हम लोग कंपैरिजन टेस्ट का हेल्प लेते हैं। कंपैरिजन टेस्ट क्या बोलता है, कंपैरिजन टेस्ट में हम लोग एक नया सीरीज मानते हैं VN, और अगर VN कन्वर्जेंट है तो UN भी कन्वर्जेंट हो जाता है, और VN डाइवर्जेंट है तो UN भी डाइवर्जेंट हो जाता है। लेकिन VN कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट कैसे पता चलता करते हैं, तो ये एक पी सीरीज टेस्ट होता है। पी सीरीज टेस्ट की मदद से हम लोग पता करते हैं, जो हम लोग VN अपना मन से बनाए हैं वो कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट। पी सीरीज टेस्ट क्या बोलता है, अगर पी हम लोगों का एक से बड़ा है तो कन्वर्जेंट, और एक से छोटा और बराबर है तो डाइवर्जेंट हो जाता है। तो यही हम लोग लिखे हैं, वी कंपेयर द गिवन सीरीज समेशन ऑफ VN विद द सीरीज समेशन ऑफ VN इक्वल टू 1/NP। समेशन ऑफ VN अगर कन्वर्जेंट होगा, समेशन ऑफ VN कन्वर्जेंट होगा तो समेशन ऑफ UN भी कन्वर्जेंट हो जाएगा, और समेशन ऑफ VN कन्वर्जेंट कब होगा, जब हम लोग का पी जो ग्रेटर देन वन होगा तो, और डाइवर्जेंट कब होगा, जब पी लेस देन वन होगा तो। चलिए पहला केस लेंगे हम लोग, पी जब ग्रेटर देन वन है तो अगर पी हम लोग का ग्रेटर देन है, मतलब VN जो है हम लोग का कन्वर्जेंट हो जाएगा, तो कंपेरिजन टेस्ट है, अगर VN कन्वर्जेंट है तो हम लोग का UN भी कन्वर्जेंट हो जाएगा। ओके, तो हम लोग का क्या हो जाएगा, UN
क्या होता है, मतलब un अपन un प्लस वन जो है वो ग्रेटर देन होता है किसके, vn अपन vn प्लस वन के। तो हम लोग क्या करेंगे, vn अपन vn प्लस वन निकालेंगे। vn हम लोग क्या माने हैं, वन बाई एन पी, तो vn प्लस वन क्या हो जाएगा, n के जगह पे n प्लस वन रखेंगे। तो हम लोग यहाँ से रेशियो निकाल लेंगे किसका, vn अपन vn प्लस वन का। और हम लोग इक्वेशन वन में क्या है, un अपन un प्लस वन ग्रेटर देन vn अपन vn प्लस वन, और ये जो हम लोग निकाले हैं वो हम लोग वहाँ पर लिख देंगे और दोनों तरफ लॉग ले लेंगे और इसको हम लोग सॉल्व कर देंगे। ओके, और इसके बाद हम लोग यहाँ पे लॉग ऑफ वन प्लस एक्स का एक्सपेंशन होता है, क्या होता है, लॉग ऑफ वन प्लस एक्स का एक्सपेंशन होता है एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस एक्स क्यूब बाई थ्री, इस तरीके से एक्सपेंशन होता है। हम लोग इसको एक्सपेंड कर देंगे ओके, और हम लोग यहाँ पे बना लेंगे ओके। और क्या है? मतलब कि पहले हम लोग यू एन अपन यू एन प्लस वन निकाले, फिर हम लोग इसमें लॉग लिए, फिर हम लोग एन से मल्टीप्लाई कर देंगे। चलिए सेकेंड कंडीशन हम लोग क्या लेंगे, सेकेंड कंडीशन लेंगे हम लोग p जो है ना वो x से छोटा है, p x से छोटा है मतलब vn जो है हम लोग का कन्वर्जेंट हो जाएगा। तो सो बाई कंपेरिजन टेस्ट क्या हो जाएगा, un भी सॉरी अगर p x से छोटा है तो vn डाइवर्जेंट हो जाएगा, vn डाइवर्जेंट हो जाएगा तो कंपेरिजन टेस्ट से un भी डाइवर्जेंट हो जाएगा, मतलब un अपन un प्लस वन जो है वो लेस देन है vn अपन vn प्लस वन के। तो हम लोग वही vn अपन vn प्लस वन निकालेंगे और इसमें रख देंगे, और इसको जब हम लोग सॉल्व कर लें मतलब उसके अंदर रख देंगे, उसके बाद लॉग ले लेंगे, फिर n से मल्टीप्लाई करके इसको हम लोग निकाल लेंगे। तो हम लोग का ये क्या हो जाएगा, ये हम लोग का इस तरीके से प्रूफ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज। तो ये क्वेश्चन आप लोग बना के बताइएगा किस टेस्ट पे बनेगा ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, या फिर मैं बाद में उसको भी देखूंगी चल ओके। पहले हम लोग ये जो भी टेस्ट वगैरह है ना ये सभी को हम लोग देख लेते हैं। देखिए एक और टेस्ट आया जो कि उसी तरीके से मैं आप लोगों को थोड़ी देर पहले एक रेशियो याद करवाई हूँ यूएन अपन यूएन प्लस वन में। ये सारे टेस्ट में आप लोगों को लगभग यूएन अपन यूएन प्लस वन निकालना ही होगा ओके। तो अभी इससे पहले हम लोग क्या देखें, लॉगरिथमिक टेस्ट। लॉगरिथमिक टेस्ट में क्या होता है, हम लोग को लॉग ऑफ यूएन प्लस यूएन अपॉन यूएन प्लस वन निकालना होता है ओके, और इनटू एन ओके। अगर ये ग्रेटर देन वन है तो कन्वर्जेंट और लेस देन वन है तो डाइवर्जेंट। अब हम लोग देखेंगे रेप टेस्ट। रेप टेस्ट में क्या होता है, रेप टेस्ट में हम लोग निकालते हैं यूएन अपॉन यूएन प्लस वन माइनस वन इनटू एन, अगर ग्रेटर देन वन है तो कन्वर्जेंट और लेस देन वन है तो डाइवर्जेंट। पहली में बता दी हूँ एक ही ट्रिक में, कॉची रूट टेस्ट को छोड़ के सभी में ग्रेटर देन वन कन्वर्जेंट होता है, लेस देन वन डाइवर्जेंट होता है ओके। ये मैं बहुत सारा क्वेश्चन, इतना सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस किया तो करते करते देख लिया, अच्छा सिर्फ एक ही में ऐसा हो रहा है, बाकी समय तो वही हो रहा है। तो इस तरीके से मतलब ट्रिक आ गया ओके। तो क्या हम लोग का, द इनफाइनाइट सी समेशन ऑफ यूएन ऑफ पॉजिटिव टर्म इज कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट अकॉर्डिंग टू लिमिट ऑफ एन टेंस टू इन्फिनिटी एन ऑफ यूएन अपॉन यूएन प्लस वन माइनस वन ग्रेटर देन वन और लेस देन वन। तो देखिए प्रूफ क्या करेंगे, जैसे जिस तरीके से हम लोग लॉगरिथमिक टेस्ट में एक वी एन मान के कंपेरिजन टेस्ट की हेल्प से प्रूफ किए हैं, उसी तरीके से रेप टेस्ट में भी हम लोग वही करेंगे। तो क्या है, वी कंपेयर द गिवन सीरीज समेशन ऑफ यूएन विद द सीरीज समेशन ऑफ वी एन इक्वल टू वन अपन एन प्लस वन अपन एन के पावर पी। समेशन ऑफ वी एन इज कन्वर्जेंट इफ पी इज ग्रेटर देन वन एंड डाइवर्जेंट इफ पी इज लेस देन और इक्वल टू वन। केस वन क्या लेंगे, वही पी जब हम लोग का एक से बड़ा होगा तो कंपेरिजन टेस्ट है, अगर पी एक से बड़ा है तो वी एन कन्वर्जेंट और वी एन कन्वर्जेंट है तो कंपेरिजन टेस्ट है यूएन भी कन्वर्जेंट। और उसी तरीके से इसका रेशियो निकाल लेंगे और इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे ओके। तो हम लोग का यही आ जाएगा, लिमिट ऑफ एन टेंस टू इन्फिनिटी एन ऑफ यू एन अपन यू एन प्लस वन माइनस वन इंटू पी ग्रेटर देन वन। अरे केस टू क्या करेंगे, वही पी इज लेस देन वन लेंगे, वी डाइवर्जेंट होगा तो कंपेरिजन टेस्ट से यू एन भी डाइवर्जेंट हो जाएगा, और यही सेकेंड इक्वेशन मान के और इसको हम लोग एक्सपेंड करके हम लोग इसको भी प्रूफ कर लेंगे ओके। इसमें कुछ समझाना नहीं है, ये बाइनोमियल एक्सपेंशन है ओके। पिछला में लॉगरिथमिक एक्सपेंशन लगाए थे हम लोग, पिछला जो क्वेश्चन था ना जिसमें लॉगरिथमिक टेस्ट था तो उसमें था हम लोग का लॉग ऑफ वन प्लस एक्स। तो इसका हम लोग का क्या होता है, एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस एक्स क्यू बाई थ्री माइनस एक्स के पावर फोर अपन फोर, इस तरीके से होता है। और ये क्या है, वन प्लस एक्स के पावर एन। तो इसका क्या कैसे होता है, वन प्लस एन एन मतलब कि इसका बाइनोमियल से आप लोग को टूटेगा, वन प्लस एन सी जीरो करके हम लोग निकालते हैं, ए के पावर एन बी के पावर एन माइनस जीरो फिर एन सी टू मतलब एन सी जीरो एन सी वन एन सी टू करके बाइनोमियल का जो एक्सपेंशन है ना उसकी हेल्प से हम लोग इसको बस तोड़ेंगे, और कुछ नहीं ओके, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं ओके। तो हम लोग इस तरीके से देखिए, आप लोग को इनफाइनाइट सीरीज से हर साल तीन क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हम लोग एक हर एक में दो क्वेश्चन रहता है। तो पहला क्वेश्चन हो चुका है, दूसरा क्वेश्चन पहला में लॉगरिथमिक टेस्ट है कर लिए, दूसरा में रेप टेस्ट है कर लिए, अब हम लोग का एक क्वेश्चन है टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज। तो हम लोग को जब भी आप लोग को लाइफ में कोई भी क्वेश्चन आता है जो कि रूट वाला है तो सबसे पहले आप लोग कोशिश कीजिएगा रेशनलाइज करने का, फिर आगे क्या करना है क्या नहीं वो तो बात की बात है। लेकिन जैसे देखिए एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आ गया और आप लोग को बनाया नहीं आ रहा है तो देखिए रूट वाला देखिए बस तीन चार लाइन और रेशनलाइज कर दीजिए भाई, उसको दया आएगा तो दो नंबर तो दे ही देगा ना, दो नंबर तो एक नंबर तो देगा ना।
देखिए क्या यू एन हम लोग को दिया हुआ है क्या अंडर रूट एन स्क्वायर प्लस वन माइनस एन स्क्वायर माइनस वन, क्या करेंगे इसका रेशनलाइज करेंगे, रेशनलाइज कैसे करते हैं साइन चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं और हम लोग इसको बस सॉल्व कर दिए हैं, साइन चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिए। और ये क्या ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ओके दोनों को ब्रैकेट में रख लीजिए। ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी का जो फॉर्मूला होता है ना वो होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर हम लोग रूट अंडर एन स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर करते हैं तो ये आता है एन स्क्वायर प्लस वन, और ये क्या आएगा देखिए यहाँ पे आएगा आप लोग को एन स्क्वायर माइनस वन है। ओके यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, तो अगर आप लोग इसको सॉल्व करते हैं देखिए इसलिए तो यहाँ पे ये आ गया, तो ये दोनों कट जाएगा और ये आएगा आप लोग को टू टाइम्स ऑफ अंडर रूट एन स्क्वायर प्लस वन प्लस एन स्क्वायर माइनस वन। ओके रेशनलाइज करना है, फिर हम लोग क्या करेंगे यू एन हम लोग का आ गया, फिर हम लोग वी एन मान लेंगे। वी एन कैसे मानते हैं, वी एन मानने का तरीका है ऊपर देखिए एन का डिग्री क्या है और नीचे देखिए एन का डिग्री क्या है। ओके एन का डिग्री कहने का मतलब हाईएस्ट पावर, तो ऊपर एन का पावर जीरो है मतलब एनीथिंग का पावर जीरो वन होगा और नीचे एन का पावर क्या है अगर एन स्क्वायर रूट में बाहर आएगा तो क्या आएगा एन आएगा, मतलब एन का हाईएस्ट पावर वन है तो वन बाई एन। इस तरीके से हम लोग वी एन एज्यूम करते हैं, फिर हम लोग यू एन बाई वी एन का रेशियो निकालेंगे। अगर यू एन बाई वी एन का रेशियो अगर हम लोग को फाइनाइट पॉजिटिव नंबर आता है तो हम लोग देखेंगे वी एन कन्वर्जेंट है तो यू एन भी कन्वर्जेंट हो जाएगा और वी एन डाइवर्जेंट है तो यू एन भी डाइवर्जेंट हो जाएगा, यही हम लोग का कंपैरिजन टेस्ट होता है। ओके ऐसे मैं आप लोग को इनफाइनाइट सीरीज पूरा पढ़ाई हुई हूँ, मतलब बहुत सारा टेस्ट पढ़ाई हुई हूँ, सिर्फ डी मॉर्गन एंड बटन टेस्ट नहीं पढ़ाई थी और कुमार टेस्ट, बाकी सारा टेस्ट मैं आप लोग को पढ़ाई थी इनफाइनाइट सीरीज का, आप लोग प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या लिमिट ऑफ एन टेंस टू इन्फिनिटी यू एन अपन वी एन, बस हम लोग निकाले तो क्या आया ये वन, ये जो कि एक मतलब कि नॉन जीरो नहीं है, नॉन जीरो नहीं होना चाहिए। ओके तो हम लोग यहाँ से अगर ये हम लोग का फाइनाइट नंबर आता है मतलब ये कंपैरिजन टेस्ट से हम लोग बोलेंगे क्या वी एन जो है ना वो डाइवर्जेंट हो जाएगा, हेंस बाय कंपैरिजन टेस्ट द सीरीज वी एन इज डाइवर्जेंट। ओके तो अगर वी एन डाइवर्जेंट है तो हम लोग क्या बोलेंगे यू एन भी हम लोग का डाइवर्जेंट हो जाएगा। ओके देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है सेवन नंबर, डिफाइन एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस ऑफ ए सीरीज एंड प्रूव दैट इफ द टर्म ऑफ द एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज आर रीअरेंज देन द रिजल्टिंग सीरीज कन्वर्जेज एब्सोल्युटली एंड हैज़ द सेम सम एज द ओरिजिनल सीरीज। पहले आप लोगों को समझना है एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस क्या होता है, तो कोई भी सीरीज अगर कोई भी सीरीज को हम लोग एब्सोल्यूटली कन्वर्जेंट कब बोलेंगे, जब वो अगर देखिए यू एन अगर कन्वर्जेंट है तो हम लोग इसको बोल सकते हैं क्या ये एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस है। पर ये क्या है डिफिनीशन एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस में, ए सीरीज समेशन ऑफ यू एन, ए सीरीज समेशन ऑफ यू एन इज सेड टू बी एब्सोल्यूटली कन्वर्जेंट इफ समेशन ऑफ यू एन इज कन्वर्जेंट। और इसका प्रूफ क्या है, तो हम लोग क्या एक समेशन ऑफ यू एन एक सीरीज लेंगे जो कि एब्सोल्यूटली कन्वर्जेंट होगा, मतलब तो अगर एक सीरीज लिए यू एन जो कि एब्सोल्यूटली कन्वर्जेंट है तो अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन क्या हो जाएगा यू एन जो होगा वो हम लोग का कन्वर्जेंट होगा। ओके तो वी हैव हम लोग क्या करेंगे यू एन प्लस यू एन, अगर दो यू एन को जोड़ते हैं तो हम लोग का क्या अगर यू एन ग्रेटर देन जीरो है मतलब पॉजिटिव आएगा तो टू यू एन आएगा और यू एन लेस देन जीरो है तो माइनस बाहर निकलेगा तो हम लोग का जीरो आएगा। और इस टर्म ऑफ द सीरीज जो यू एन प्लस यू एन प्लस मॉड ऑफ यू एन जो होगा वो ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो का होगा और इसको प्रूफ करना है। ओके तो ये मैं नेक्स्ट वीडियो में रहने दूंगी। ओके इस वीडियो में यहीं तक रहने देते हैं, तो इनफाइनाइट सीरीज का 2015 के क्वेश्चन बैंक का इतना ही रहने देते हैं। ओके ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है सेवन नंबर, तो और ये 2018 और 19 में भी है तो उसमें जब मैं करूँगी ना तो उसी टाइम कर दूँगी इस क्वेश्चन को क्वेश्चन का सोल्यूशन। ओके तो इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा, अगर तो आप लोग वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब वगैरह करते रहिएगा। ओके तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।